हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नबील। एप्पल ने दो अपडेट जो है एक साथ रिलीज किए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग यूजर्स के लिए है। एक है iOS 17.1 का बेटा 3 वर्जन और दूसरा है iOS 16.7.1 का पब्लिक स्टेबल वर्जन। अब दोनों ही अपडेट जो है ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्या कुछ इसमें नया है, क्या खास है, आपको अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी बातों पे एक एक करके जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और अच्छे से देखिए, आपको समझ में आएगा आपके लिए कौन सा अपडेट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, और फ्यूचर में क्या आने वाला है आपके लिए। तो एक एक करके अपडेट का साइज देख, सबसे पहले बात करते हैं 17.1 बीटा 3 की। ये जो अपडेट है ये बेटा वर्जन है iOS 17 का और इसका साइज है तकरीबन 650 MB के आसपास का। ये मेरा 14 Pro Max है, इसमें नई अपडेट इंस्टॉल की हुई है और ये जो इस पे अपडेट साइज आई है वो थी 641.6 MB की। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम अपडेट से पहले कैसा था हमारा फोन, जिसमें अवेलेबल फ्री स्पेस था 711.82 GB का। अपडेट से पहले के बिल्ड नंबर के एंड में ई था और अपडेट से पहले का मॉडेम फर्मवेयर था 2.10.03। अपडेट के बाद यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है, इतनी जनरली बढ़ती नजर नहीं आती, तो ये काफी मुझे जो है अजीब सा लगा। और यहाँ पे मॉडेम फर्मवेयर अगर आप देखेंगे तो सेम ही है पहले जैसा। और अगर अपडेट के बाद आने वाले बिल्ड नंबर को देखते हैं, नए अपडेट के बिल्ड नंबर को, तो यहाँ पे इसके एंड में ए है, यानी कि हम फाइनल स्टेबल वर्जन के बहुत ही ज्यादा करीब है। और अगला जो वर्जन है, अपडेट वर्जन है, वो RC वर्जन iOS 17.1 का होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो एक बड़ी मेजर अपडेट iOS 17.1 की पब्लिक स्टेबल वर्जन के तौर पे आप लोगों के लिए एप्पल रेडी कर रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी आपको देखने मिल सकती है। अब यहाँ पे दूसरा अपडेट के बिल्ड नंबर और साइज और मॉडेम अपडेट सब कुछ देख लेंगे, तो ये है 16.7.1। ये अपडेट उन फोन्स के लिए एप्पल ने रिलीज किया है जो iOS 17 पे अपडेट नहीं हो सकते, लेकिन उनके लिए सिक्योरिटी फिक्सेस वगैरह इंपॉर्टेंट है, और उन फोन्स के लिए भी अपडेट पुश किया है जो लोग iOS 17 पे अपडेट नहीं करना चाहते अपने फोन को, तो उनके लिए ये अपडेट जो है अवेलेबल रहेगी अप टू iPhone 14, iPhone 8 से लेके iPhone 10, 8 प्लस और उसके बाद सीधा iPhone 14 तक जितने भी iPhones है बीच में, सबके लिए अपडेट रहेगी। iPhone 15 अगर आपने ले रखा है, देखिए 15 Pro है, 15 Plus है, ये 15 है, ये 15 Pro Max है, इनके लिए अपडेट नहीं है, क्योंकि वो शुरू ही होते हैं iOS 17 से। तो ये जो iOS 16.7.1 पब्लिक स्टेबल वर्जन अपडेट आई है, ये आई है 429.7 MB का मेरे iPhone 14 Plus के ऊपर। और आप भी जब सेटिंग जनरल सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन देखने मिलेंगे, अपग्रेड टू iOS 17 या फिर इस पे आप रह सकते हैं। अपडेट से पहले का जो बिल्ड नंबर था वो 16.7 था, अवेलेबल फ्री स्पेस था 45.89 GB का, बिल्ड नंबर था 20H19 और मॉडेम फर्मवेयर नंबर था 1.80.02। अपडेट के बाद जो iOS वर्जन है वो है 16.7.1, अवेलेबल फ्री स्पेस स्लाइटली बढ़ गई है, तो ये अच्छी चीज है। बिल्ड नंबर देख सकते हैं नया आ चुका है 20H30, लेकिन मॉडेम फर्मवेयर के अंदर कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं किया गया। अब यहाँ पे इन अपडेट्स के अंदर क्या कुछ नया वो चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले iOS 17.1 बेटा 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसके रिलीज नोट्स है और यहाँ पे एक चीज मेंशन है जो कि है iPhone 12 इन फ्रांस। तो iPhone 12 के बारे में क्या आ रहा था कि फ्रांस ने इसको बैन कर दिया है, इसकी जो SAR वैल्यू है बहुत ज्यादा है, जो ह्यूमन यूज के लिए सेफ नहीं है। तो इसके बारे में देखते हैं एप्पल ने क्या बोला है। तो यहाँ पे लिखा है कि सितंबर 12 को फ्रांस की जो एजेंसी है ANFR, उसने एक स्टेटमेंट रिलीज किया था अबाउट iPhone 12, जिसमें उन्होंने बताया था कि स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट जो SAR होता है वो लिमिट को ही एक्सीड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एप्पल का क्लेम ये है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल iPhone 12 यूजर्स के ये जो फोन है ये सभी यूजर्स के लिए सेफ है टू यूज। और यहाँ पे ये लोग ये भी कहते हैं कि ANFR जो है एक ऐसा टेस्टिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे जो उस पैरामीटर को कंसिडर नहीं करता था जो कि है ऑफ बॉडी डिटेक्शन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उसके जरिए से एप्पल ने ये प्रॉब्लम को फिक्स किया है ताकि सार रेगुलेशन जो है उसको मीट कर सके iPhone 12। और इसके बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है जो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और iOS 16.7.1 के अंदर क्या कुछ नया, तो यहाँ पे एप्पल ने लिस्ट दिया है जो कि पहले से हमारे पास अवेलेबल थी, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज आई है। 21 न्यू इमोजीज आए हैं, वॉइस आइसोलेट फीचर आया है जो कि पहले से था, और कार क्रैश डिटेक्शन को ऑप्टिमाइज किया। ये सारे iOS 16 के ही फीचर्स हैं जो यहाँ पे फिर से एप्पल ने बताया है हमको। अब यहाँ पे रिलीज नोट्स देख लेते हैं करके दोनों ही अपडेट्स के कि क्या कुछ एप्पल ने इसमें फिक्स किया है। सबसे पहले iOS 17.1 बेटा 3 के अंदर एप्पल ने कैमरा से रिलेटेड एक नोन इशू को फिक्स किया है, जहाँ पे सिनेमैटिक मोड में एंटर करने के बाद या फिर स्विच करेंगे अगर आप फ्रंट और रियर फेसिंग कैमरा में इन सिनेमैटिक मोड 15 सीरीज के अंदर, तो प्रीव्यू जो है फ्रीज हो जाता था कुछ सेकंड्स में, तो वो यहाँ पे फिक्स किया है। एप्पल वॉच से रिलेटेड फिक्स किया है, जहाँ पे एप्पल वॉच जो वॉचओएस 10.1 इस्तेमाल कर रही है वो अगर फोन से पेड है तो पावर कंजम्पशन बढ़ जाता था। कुछ विजेट से रिलेटेड फिक्सेस किए हैं, जहां पे विजेट्स ब्लैंक हो रहे थे, और वॉलेट और एप्पल पे से रिलेटेड इश्यूज है iOS 17.1
बीटा 3 के अंदर। और सेम फिक्सेस और सेम सिक्योरिटी अपडेट जो है आपको 16.7.1 में भी देखने मिलेंगे, क्योंकि वो जो अपडेट्स है या वो जो सिक्योरिटी फिक्सेस है वो मैच होने चाहिए iOS 17 से, अगर आप नहीं भी अपडेट करना चाह रहे, आपका फोन सपोर्ट नहीं कर रहा तब भी। तो यहाँ पे सेम जो है प्रॉब्लम यहाँ पे एप्पल ने फिक्स किया है इसके अंदर भी। अब यहाँ पे स्टोरेज में कोई बग है या नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। तो आईफोन स्टोरेज के अंदर अगर हम नीचे चले जाते हैं दोनों ही फोन के अंदर, तो iOS 17.1 बीटा 3 के अंदर आप देख सकते हैं सिस्टम डेटा जो है वो ऑक्यूपाइड है अराउंड 18 GB, थोड़ा ऑन द हायर साइड है, जबकि ये फोन मेरा प्राइमरी फोन अब नहीं है, मेरा 14 प्रो मैक्स है, मैं यूज अभी करता हूँ 15 प्रो मैक्स, और इसके अंदर सिस्टम डेटा जो है 16.7.1 में वो अभी तक लोड ही नहीं हुआ है। तो ये भी एक छोटा सा बग यहाँ पे है। एक बार मैं आपको iOS 17.0.3 भी दिखा देता हूँ, उसमें कैसा है iOS का आईफोन स्टोरेज। तो रेगुलर फोन जो मैं यूज कर रहा हूँ उसमें आप देख सकते हैं स्टेबल वर्जन के ऊपर 9.19 GB के आसपास अदर्स वाला स्टोरेज है या फिर सिस्टम डेटा इस्तेमाल हुआ है। तो ये एक छोटा सा मुझे यहाँ पे बग लगा जो एप्पल फाइनल स्टेबल वर्जन में फिक्स डेफिनेटली कर सकता है। और 16.7.1 में मेरे फोन में देख सकते हैं अभी भी ये बफर हो रहा है, तो ये भी इसके अंदर एक छोटा सा बग है। आप अपने फोन में जरूर चेक करके बताना अगर आप iOS 16 पे अभी भी चल रहे हो। तो बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में लेके चलता हूं, तो अपडेट की वजह से आपका कोई भी जो बैटरी हेल्थ का लॉस है वो आपको देखने नहीं मिलेगा। ये फोन जो है, ये तो मेरा प्राइमरी फोन था, तो ये 92 पे आ गया जब iOS 17 का बेटा वर्जन में डाला था, धीरे धीरे करके ये उतर गया क्योंकि इनिशियली बहुत गर्म होता था iOS 17 के बेटा वर्जन। और ये फोन जो है ये बच्चे गेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे देख सकते सारे गेम्स भरे हुए, तो इस वजह से कंटिन्यूसली चार्जिंग और गेमिंग की वजह से इसकी बैटरी थोड़ी उतरी है, लेकिन ये अपडेट की वजह से नहीं है डेफिनेटली। रही बात नेटवर्क परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हैं दोनों में एयरटेल का सिम है, कोई इशू नहीं है नेटवर्क रिलेटेड, और वाईफाई ब्लूटूथ एयर ड्रॉप सारी चीजें जो है प्रॉपरली काम कर रही है इन अपडेट्स के अंदर। इस वजह से ही शायद एप्पल ने यहाँ पे कोई मोडेम फर्मवेयर अलग से रिलीज नहीं किया है। अभी यहाँ पे बेंचमार्क्स देख लेते हैं क्या परफॉर्मेंस घटी है बढ़ी है पता चल जाएगा। सबसे पहले 16.7.1 का देख लेते हैं, अपडेट से पहले था 2329 5633 और अभी का स्कोर है 2319 5630। ये सीपीयू स्कोर है, कुछ फर्क नहीं है और सेम ही आपको परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। और जीपीयू की हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ, 20421 था और आज है 20540, तो अगेन सेम ही है, कोई फर्क नहीं है इसमें भी। तो गेमर हो या रेगुलर यूज में भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा 16.7.1 में। और iOS 17.1 बीटा 3 के अंदर देख लेते हैं, तो पिछला स्कोर देख सकते हैं आप 2642 6831 और आज का है 2637 6765 सीपीयू का। और जीपीयू का भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे 22671 था पिछला और अब है 22821, तो अगेन सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, छोटे मोटे पॉइंट्स आगे पीछे होते रहते हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही अपडेट जो है सेफ है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। हीटिंग इशू आईफोन के अंदर एप्पल ने iOS 17.0.3 के जरिए से सॉल्व कर दिया है। 15 प्रो मैक्स या 15 की सीरीज में जो इशू आ रहे थे वो तो सॉल्व हुए ही है, पुराने आईफोन भी जो है कूलर रन कर रहे ऐसा मुझे लग रहा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है, कि आपको ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है या नहीं। स्टेबल वर्जन अभी iOS 17 के जो आ रहे हैं वो एक्चुअल में काफी अच्छे हैं, और 17.0.4 अगर आता है तो उस पे अपडेट करना जो है सही रहेगा आप लोगों के लिए। फिलहाल 17.0.3 पे अपडेट कर लीजिए आप, अगर आपके पास स्पेशली आईफोन 15 सीरीज है तो, क्योंकि फोन वारंटी में ग्रीन स्क्रीन आता भी है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप फ्री में स्क्रीन रिप्लेस करवा सकते हैं। और ग्रीन स्क्रीन इशू बाकी पुराने फोन पे आ सकता है क्या इनमें से कोई अपडेट करने पर, तो देखिए किसी भी अपडेट को करने से आपके फोन में ग्रीन स्क्रीन इशू आ सकता है, चाहे आईफोन 12 हो 13 हो 14 हो कोई भी हो। तो एक बात का ध्यान रखना, अपडेट करने से पहले सोच लेना करना है या नहीं करना है, फोन वारंटी में नहीं है तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपडेट आप मत करो जब तक के बहुत नेसेसरी नहीं है या जब तक के एप्पल ये प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करता है। तो ग्रीन स्क्रीन एक बहुत सीरियस इशू है आईफोन 13 सीरीज में खास तौर पे, और 13 प्रो 13 प्रो मैक्स में तो बहुत ज्यादा हो रहा है प्रॉब्लम। अब दो अपडेट्स आने वाली है दोस्तों, iOS 17.1 का पब्लिक स्टेबल वर्जन हो सकता है मंथ के एंड तक आ जाए या फिर नेक्स्ट मंथ में भी जा सकता है, रिलीज कैंडिडेट अभी आता है, RC1 फिर RC2 भी आता है कभी कभी, तो इस वजह से डिले हो सकता है। रही बात iOS 17.0.4, ये भी अपडेट जो है आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि कुछ आईफोन यूजर्स को ऑटोमेटिक रीबूट का प्रॉब्लम आ रहा है और कुछ वाईफाई इश्यूज भी आ रहे हैं। मेरे फोन में तो नहीं आ रहा है बट कुछ लोगों को आ रहा है, तो उसको फिक्स करने के लिए एप्पल वो अपडेट पुश कर सकता है, तो उस बात का भी ध्यान रखना। और अगर आपके पास एयरपॉड्स है तो एप्पल ने एक एयरपॉड्स के लिए अपडेट पुश किया एयरपॉड्स प्रो 2 के लिए, वो है 6A303, तो ये अपडेट भी आप कर सकते हैं। करने का नहीं करने का ऑप्शन तो होता नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अपडेट भी आया हुआ है और इसमें कुछ छोटे मोटे फिक्सेस एप्पल ने किया है एयरपॉड्स प्रो 2 यूजर्स के लिए। तो बस यही दिखानी दोस्तों iOS 17.1 बीटा 3 की और iOS 16.7.1 पब्लिक स्टेबल वर्जन की। अब बताइए आप कौन से अपडेट पे अपने फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।